हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल, इट्स मीनी शुहान। आज की वीडियो इज़ सो इन्फॉर्मेटिव। लाइक आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि फेस पाउडर्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स होते हैं फेस पाउडर्स के, और आप इसे किस तरह से यूज़ कर सकते हो विद अ स्पंज एंड विद अ ब्रश। तो ये बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो थी फ्रॉम अ सब्सक्राइबर, और जिसका नाम मैं भूल चुकी हूँ, बट अगर मुझे मैसेज उसका नज़र आया तो मैं यहाँ पे दिखा दूँगी। इन्होंने रिक्वेस्ट की थी इंस्टाग्राम पे, इवन ऑन यूट्यूब के, हमें बताएं फेस पाउडर्स हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, कितने टाइप्स होते हैं, लूज पाउडर, कॉम्पैक्ट पाउडर, ट्रांसल्यूसेंट पाउडर, इन सब में क्या फ़र्क होता है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि इन सब पाउडर्स में फ़र्क क्या होता है, आप इसको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, और कौन सा पाउडर किस स्किन टाइप के लिए अच्छा होता है। अगर आप को ये वीडियो देखनी है तो काइंडली बने रहिए, लेकिन उससे पहले मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत। आज मुझे हो क्या गया, मुझसे बोला नहीं जा रहा, आई एम रियली सॉरी। सो जस्ट लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो व्हाट इज़ कॉल्ड फेस पाउडर? फेस पाउडर जो है एक्चुअली बहुत सारे टाइप्स में होता है, ठीक है, जो कि आपके मेकअप को फ्लॉलेस बनाने के लिए, लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए, ऑयल फ्री बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। आप अपने मेकअप को उससे सेट करते हो ताकि जो आपका मेकअप है थ्रू आउट द डे ऑयल फ्री रहे और लॉन्ग लास्टिंग रहे। कुछ पाउडर जो है आपको कवरेज प्रोवाइड करते हैं, जो कि आपके इनपरफेक्शंस को रिमूव कर देते हैं, लाइक हाइड कर देते हैं नीचे, अगर थोड़ी बहुत इनपरफेक्शन है आपके फेस पर। कुछ लूज पाउडर्स जो हैं वो आपको सन प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। वो कौन से लूज पाउडर है उसके बारे में भी हम इसी वीडियो में बात करेंगे। फेस पाउडर की जो टोटल टाइप्स है वो 7 है। फर्स्ट वन इज ट्रांसलूसेंट पाउडर, सेकेंड वन इज लूज पाउडर, देन प्रेस पाउडर, HD पाउडर, फिनिशिंग पाउडर, एंड 7th वन इज पाउडर फाउंडेशन, जो कि भी पाउडर्स में ही आता है। ट्रांसलूसेंट पाउडर होता है वो बिल्कुल इनविजिबल होता है, इनविजिबल इस तरह से कि बहुत ही माइल्ड और बहुत ही सॉफ्ट टेक्सचर का होता है, आपके पूरे मेकअप को सेट कर देता है, लेकिन वो इनविजिबल होता है, बहुत ही लाइट होता है, लाइक नेचुरल लुकिंग पाउडर होता है। ऑल स्किन टाइप के लिए है, इवन फॉर ऑयली स्किन एंड इवन फॉर ड्राई स्किन, बिकॉज उसका जो फिनिश होता है बहुत ही नेचुरल लुकिंग होता है। आज जो मैंने यूज़ किया है इट्स ट्रांसलूसेंट पाउडर, अंडर आईज पे और सारे एरियाज़ पे मैंने अप्लाई किया है, एंड यू कांट सी इट दैट यू आर वेयरिंग एनी पाउडर ऑन योर फेस, क्योंकि ये इतना लाइट वेट होता है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग के ट्रांसल्यूसेंट पाउडर का कोई फ्लैश बैक नहीं होता, अगर आप पिक्चर्स वगैरह ले रहे हो तो वो स्पूकी और अजीब से वाइट कास्ट नहीं आता आपके फेस पे, ये सबसे अच्छी बात है ट्रांसल्यूसेंट पाउडर की। सो ट्रांसल्यूसेंट पाउडर में वी हैव हुदा ब्यूटी का ईजी बेक ट्रांसल्यूसेंट पाउडर, ब्यूटीफाई बाय आमना का ट्रांसल्यूसेंट पाउडर, एंड फोकालेयर फेस का ट्रांसल्यूसेंट पाउडर। ये तीनों इजीली अवेलेबल हैं, ये थोड़ा मुश्किल है, बट ब्यूटीफाई बाय आमना का जो है लूज पाउडर इज़ इजीली अवेलेबल ऑन देयर वेबसाइट, यानी पाकिस्तानी ब्रांड है, सो यू कैन फाइंड इट ईजिली। फोकालेयर वाला भी ईजिली अवेलेबल है। सो ये है ट्रांसल्यूसेंट पाउडर, जो कि बहुत ही माइल्ड और सॉफ्ट होते हैं फॉर ऑल स्किन टाइप, स्पेशली फॉर ऑयली स्किन गर्ल। सो लूज पाउडर जो है वो बेसिकली जार फॉर्म में आता है, दिस वन, ठीक है, इस तरह से, एंड इसमें काफ़ी सारे शेड्स होते हैं, आपने अपनी स्किन टाइप के हिसाब से चूज़ करना होता है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट दिस पाउडर इज़ सूटेबल फॉर ऑयली स्किन, नॉट फॉर ड्राई स्किन, कि ये आपके एक्सेसिव ऑयल को एब्जॉर्ब करता है और आपके मेकअप को लॉन्ग 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 लास्टिंग बनाता है। लॉन्ग बहुत ही लॉन्ग चला गया, बट इट्स ओके। देन लूज पाउडर में हमारे पास यहाँ पे है टू फेस्ड का पीच परफेक्ट लूज पाउडर, APK का लूज पाउडर, एंड फोर कलर का लूज पाउडर। लूज पाउडर डिफरेंट शेड्स में होते हैं, तो मेक श्योर कि अपने शेड के हिसाब से ही आप लूज पाउडर सिलेक्ट करें, वरना ये आपकी फाउंडेशन को डार्क या लाइट दिखा सकते हैं। सो टच करने पर ये बहुत ही माइल्ड एंड इसकी कंसिस्टेंसी भी सेम एज ट्रांसलूसेंट पाउडर होती है, बट आप जो है इसमें शेड्स जो है आप ले सकते हो, क्योंकि लूज पाउडर्स शेड्स में आते हैं, इनविजिबल बिल्कुल भी नहीं होते। देन वी हैव प्रेस पाउडर। प्रेस पाउडर जो है वो यूज़ किए जाते हैं तमाम स्किन टाइप्स जो है वो उसे यूज़ कर सकते हैं, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग के लूज पाउडर एंड ट्रांसलूसेंट पाउडर जो है वो ट्रैवल फ्रेंडली नहीं होते, लाइक आप उसे अपने बैग में कैरी करके नहीं लेके जा सकते, बिकॉज वो बहुत ही मैसी होते हैं एज़ कम्पेयर टू द प्रेस पाउडर। उसे आप अपने बैग में कहीं भी कैरी करके ले जा सकते हो, इवन टचअप कर सकते हो। हेयर वी हैव ग्लैमर स्पेस का
कॉम्पैक्ट पाउडर और प्रेस पाउडर व्हाटएवर, तो आप इसे कैरी करके ले जा सकते हो. यू कैन यूज़ अ पफ एंड टचअप्स के लिए इज़ सो गुड. लेकिन ये कभी कभार जो है सुपर केकी एंड हैवी लगता है आपके फेस पे, तो आपने हाथ बहुत होला रखना है. लाइक आपने अगर स्पंज यूज़ भी करें हैं, टेक बहुत ही थोड़ी सी क्वांटिटी एंड डैबिंग मोशन में इस तरह से आप इसे यूज़ करोगे एंड देन यूज़ अ ब्रश एंड डस्ट ऑफ एक्सेस पाउडर जो आपके फेस पर पड़ा हुआ है. सो इस तरह से आपके फेस पर ये बहुत हैवी और केकी फीलिंग नहीं देगा. फॉर प्रेस पाउडर आई हैव एक APK का ऑयल कंट्रोल कॉम्पैक्ट और प्रेस पाउडर, स्वीट टच का प्रेस पाउडर इन शेड नेचुरल, देन वी हैव ग्लैमरस फेस का प्रेस्ड पाउडर, देन लास्ट बट नॉट लीस्ट वी हैव मेबलिन का वाइट फ्रेश कॉम्पैक्ट पाउडर. इग्नोर द लैशेज जो कि चिपक ही गई हैं इसके साथ, निकलने का नाम नहीं ले रही. दीज आर अवेलेबल इजिली इन मार्केट. देन वी हैव HD पाउडर. HD पाउडर जो है वो हाई डेफिनेशन रिजल्ट देते हैं आपके फेस पे, ठीक है. बहुत ही नेचुरल लुकिंग लाइट वेट पाउडर्स होते हैं जो कि आपके मेकअप को अच्छे से सेट कर देते हैं, लॉन्ग लास्टिंग बनाते हैं, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि ये मूवीज़ और TVs में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है. सो आप भी यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि वो यूज़ करें हैं तो आप यूज़ नहीं कर सकते, कर सकते हैं बिकॉज इट्स लाइट वेट और हैवी लुकिंग बिल्कुल भी नहीं होते. तो HD फाउंडेशन के लिए मेरे पास सिर्फ और सिर्फ LA Girl का प्रो पाउडर HD हाई डेफिनेशन पाउडर है. फाउंडेशन बोलने वाली थी. सो बिल्कुल वाइट कलर में है, बट ये भी जो है ट्रांसपेरेंट हो जाता है, आपकी फेस पे नज़र नहीं आता. और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, इसकी बैक पर लिखा हुआ है कि आप इसे फाउंडेशन के बगैर भी यूज़ कर सकते हो, बट इट मेंट टू बी यूज विद फाउंडेशन फॉर दैट हाई डेफिनेशन लुक. वी हैव फिनिशिंग पाउडर. फिनिशिंग पाउडर क्या होता है? फिनिशिंग पाउडर जब आप अपना मेकअप पूरा कंप्लीट कर लो एंड पाउडर वगैरह से सेट कर लो, ठीक है, कोई भी पाउडर आपने यूज़ कर लिया, उससे आपने अपने फेस को सेट कर लिया, लास्ट में आपने फिनिशिंग पाउडर यूज़ करना है. फिनिशिंग पाउडर यूज़ किया जाता है स्पेशली फॉर रिंकल्स और फाइन लाइन्स के लिए, ताकि वो बिल्कुल ब्लर हो जाए. मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, फिनिशिंग पाउडर आप डेली बेसिस में यूज़ नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये हैवी और केकी लग सकता है. सिर्फ और सिर्फ आप इसे यूज़ कर सकते हो ओकेजन्स में एंड फोटोग्राफी के लिए. अगर आपने फ़ोटोशूट करना है बाहर कहीं पर भी, तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हो, बिकॉज समटाइम्स इट लुक्स हैवी ऑन योर फेस. सो फिनिशिंग पाउडर जो है वो डेली बेसिस के लिए बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया जाता. ओके, फॉर फिनिशिंग पाउडर मेरे पास सिर्फ और सिर्फ NYX का रेडियंट फिनिशिंग पाउडर है, जो कि आप यूज़ कर सकते हो मेकअप फुल करने के बाद. आखिर में ये कुछ इस तरह से दिखता है, और ये आपके फेस की फाइन लाइंस वगैरह को जो है ब्लर आउट कर देता है. आप इसमें थोड़ा सा ग्लिटर्स लाइक ये शीन देख सकते हो, ये वाइट शेड जो है ये आपके फेस को ब्लर कर देता है. आप इसमें ये कलर्स वगैरह देख सकते हो, ग्रीन, येलो, लेवेंडर, पिंक, ये आपके फेस को जो है बिल्कुल स्मूथ आउट कर देता है, ब्लर कर देता है. एंड आई थिंक इट इज़ अवेलेबल ऑन vigors.pk, सो यू कैन हैव इट फ्रॉम देयर. Then the fourth one is mineral powders. Mineral powders are so good for every skin type, especially for problematic skin. जिनके face पर acne वगैरह होती हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, because ये बहुत ही tiny micro particle से बना होता है, जिसमें बहुत सारे skin benefits हैं आपके skin care के लिए, बहुत अच्छा है. तो highly recommend this मिनरल पाउडर फॉर ऑल स्किन टाइप, एंड उसको भी यूज़ करने का यही तरीका है. द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मिनरल पाउडर्स दो फॉर्म में होते हैं, आपको कॉम्पैक्ट फॉर्म में भी मिलेंगे और लूज़ फॉर्म में भी मिलेंगे. सो अगर आपकी स्किन ऑयली है, गेट लूज़ वन. अगर आपकी स्किन ड्राई है, देन गेट कॉम्पैक्ट वाला या लूज़ वाला. इट डिपेंड्स ऑन यू, जो कि आपको अच्छा लगता हो. फॉर मिनरल पाउडर्स यहाँ पर मेरे पास है आर्ट डेको का मिनरल पाउडर, ठीक है. ये इससे आप अपने पूरे फेस को सेट कर सकते हो. दिस इज़ अगेन आई सेड इट ऑलरेडी कि ये आपकी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है. देन वी हैव पाउडर फाउंडेशन, जो कि आते हैं पाउडर्स में ही. पाउडर फाउंडेशन जो होती हैं वो फुल कवरेज फाउंडेशन होती हैं. इसको मैं क्यों ऐड कर रही हूँ पाउडर्स में, बिकॉज आप इसको अपने मेकअप को सेट करने के लिए भी यूज़ कर सकते हो, बिकॉज ये आपको बहुत ही फुल कवरेज देते हैं. इफ़
यू आर यूजिंग एक कोई भी फुल कवरेज फाउंडेशन, आप उसके ऊपर इसको यूज़ कर सकते हो फॉर फुल कवरेज, फुल कवरेज के लिए. लाइक अगर आप इसे नहीं यूज़ करना चाहते फाउंडेशन को और सिर्फ पाउडर को यूज़ करना चाहते हो तो भी आप इसे यूज़ कर सकते हो, बिकॉज इट विल गिव यू कवरेज फाउंडेशन के बगैर भी अगर आपकी स्किन ऑयली है. तो आप इसे सर्कुलर मोशन में अप्लाई करोगे अपने फेस पे एंड दैट्स इट, यू आर गुड टू गो. आप इसे डेली बेसिस पे भी यूज़ कर सकते हो, जैसे आपकी मर्जी. ओके, सो पाउडर फाउंडेशन के लिए यहाँ पे मेरे पास है आइदुन मिनरल का पाउडर फाउंडेशन एंड आर्ट डेको का मिनरल कॉम्पैक्ट फाउंडेशन. सो ये दोनों जो हैं ये मिनरल पाउडर फाउंडेशंस हैं जो कि आप अपने फेस के लिए यूज़ कर सकते हो एंड दे आर रियली गुड फॉर योर स्किन. दिस वन इज़ फॉर ऑयली स्किन एंड दिस वन इज़ फॉर ड्राई स्किन. ओके, सो आप इसे अप्लाई किस तरह से करोगे? कोई भी पाउडर आपने अगर अप्लाई करना है तो आप सबसे पहले अपना कंसीलर और फाउंडेशन अप्लाई करोगे और उसके बाद इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप ब्रश यूज़ करोगे या पफ. आपने कोई भी चीज़ लेकर उसको जेंटली अपने फेस पर अप्लाई करना है. एक्सेसिव क्वांटिटी को आपने फिर डस्ट ऑफ कर देना है अपने फेस से और पफ की मदद से आपने टैबिंग मोशन में से अप्लाई करना है. नाउ अब मैं आपको बताऊंगी कि आप पफ और ब्रश की मदद से अलग अलग किस तरह से यूज़ कर सकते हो. तो पफ में आपने थोड़ी सी अमाउंट लेनी है पाउडर की और उसको जेंटली अपने फेस पर अप्लाई करना है. वो एरिया जो कि बहुत ही छोटा सा है तो आपने पफ को फोल्ड कर देना है और जेंटली उसको हल्के हल्के से यहाँ नोज़ के अराउंड या यहाँ पे या माउथ के अराउंड आपने उसे अप्लाई करना है. अगर एक्सेसिव पाउडर आपके फेस पर लग गया है तो ब्रश की मदद से आप उसे डस्ट ऑफ कर देंगे. ब्रश की मदद से आप किस तरह से अप्लाई करोगे पाउडर को? आपने काफ़ी बड़ा सारा ब्रश लेना है आपने और उसको हल्के से पाउडर में आपने डिप करना है एंड सर्कुलर मोशन में आपने इस तरह से अपने फेस को जो है सेट करना है पाउडर की हेल्प से. इफ़ नाउ डिपेंड्स ऑन यू कि आप प्रेस पाउडर यूज़ कर रहे हो या लूज पाउडर, इट्स ऑन योर स्किन टाइप. लेकिन आपने इसी तरह से इसको सेट करना है अपने फेस को सर्कुलर मोशन में, ब्रश को यूज़ करना है लाइक दिस. ओके, सो नाउ स्किन टाइप्स पे आते हैं. तो ड्राई स्किन के लिए यू गाइज नो के पाउडर्स जो हैं वो मॉइस्चराइजिंग बिल्कुल भी नहीं होते, चाहे जो कुछ भी उसके ऊपर लिखा हो, लेकिन पाउडर्स आर नॉट मॉइस्चराइजिंग एट ऑल. सो इस सिचुएशन में आपको हमेशा हमेशा क्रीमी टेक्सचर वाले पाउडर्स जो हैं वो यूज़ करने चाहिए और इतना ही यूज़ करें कि आपके जो ड्राई पैचेस हैं वो प्रोमिनेंट बिल्कुल भी ना नज़र आए. मैं आपको सजेस्ट करूँगी हमेशा ड्राई स्किन गर्ल्स को कि आप जो है ब्रश यूज़ करें और बहुत ही थोड़ी सी क्वांटिटी लेकर अपने फेस पर उसे अप्लाई करें. देन ऑयली स्किन गर्ल्स के लिए मैं रिकमेंड करूँगी कि आप हमेशा जब भी आपने लेना हो कोई भी फेस पाउडर आप उसके इंग्रेडिएंट्स देखेंगे. इफ़ इट कंटेन्स सिलिका एंड टैल्क देन वो वाला फेस पाउडर जो है वो आपके लिए अच्छा है, बिकॉज वो एक्सेसिव ऑयल को एब्जॉर्ब कर लेता है और आपके मेकअप को थ्रू आउट द डे लॉन्ग लास्टिंग बनाता है. देन फॉर एंटी एजिंग गर्ल्स और वुमेन, हम सब जवान हैं यू नो गर्ल्स, एंटी एजिंग गर्ल्स को मैं यही बोलूँगी कि अगर आपकी स्किन ड्राई है अवॉइड फेस पाउडर्स, लेकिन अगर आपकी स्किन ऑयली है देन डेफिनेटली गो फॉर अ मैटिफाइंग फेस पाउडर, जिससे आपके जो रिंकल्स वगैरह हैं वो विजिबल ना हो, लाइट वेट हो. तो आपको मैं सजेस्ट करूँगी यूज़ अ ट्रांसलूसेंट पाउडर, वो भी बहुत ही हौला हाथ से, लाइक यूज़ अ ब्रश एंड सर्कुलर मोशन में जस्ट आप उसे सेट करें एंड दैट्स इट. ओके, फॉर सन प्रोटेक्शन इफ़ यू वॉन्ट टू नो के वो कौन से फेस पाउडर्स होते हैं जो कि सन प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, तो उसमें आपको इंग्रेडिएंट्स देखने हैं जिंक ऑक्साइड, टाइटेनियम डाइऑक्साइड, एवोबेंजोन, मैक्सोरिल एसेक्स एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट टिनजॉर्ब. ये इंग्रेडिएंट्स हैं जो पैक के या किसी भी फेस पाउडर के बैग पे लिखे होते हैं, आपने चेक करने हैं. अगर ये उसमें मौजूद हैं तो ये वाला फेस पाउडर जो है आपको सन प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा थ्रू आउट द डे, क्योंकि आप बार बार उसे निकालोगे और आप उसे अपने फेस पे जो है अप्लाई करोगे, टचअप्स करोगे, ठीक है, तो वो आपको सन प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा. सो ये थी आज की वीडियो. आई होप कि आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, अच्छी लगी होगी. अगर अच्छी लगी हो तो मेक श्योर सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक दिस वीडियो फॉर इस तरह के और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और अच्छी वीडियोज़ के लिए. सो सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर.